सर बगड़िया सीके जिले का रहने वाला गांव मडाडर। तो मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हुआ आदमी हूँ। मैं आके सीकर के अंदर ECG से अपने कागज लाते हुए आके उन्होंने मेरे को मणिपाल हॉस्पिटल में भेज दिया। यहाँ आके मैंने डॉक्टर शंकर बसंत जी से पास भेज दिया। तो वहाँ उन्होंने मेरी कागज़ों के ऊपर जांचें लिख दी, वो सब जांच करवाई। जांच करा के बाद में देखा गया कि दाहिनी आँख के ऊपर आपके कोई छोटी सी गांठ बन गई, जिससे आपको आँख के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो वो पहले मेरी आँख के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दी। बाद में उन्होंने अपनी एडवाइस देके सब कागज की रिपोर्टें लेते हुए उन्होंने देख ली और उसका ऑपरेशन के लिए मुझे एडवाइस कर दिया। और बाद में इन्होंने अपना स्टाफ लेकर मेरे इस ऑपरेशन में जुट गए। और बाद में ऑपरेशन नाक के थ्रू दानी आँख के ऊपर ऑपरेशन कर दिया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दानी आँख से अब मेरे की पूरी रोशनी आ गई और दोनों आँखें सही है। इसके लिए मैं अब आप डॉक्टर शंकर बसंत जी को मैं बहुत ही जिंदगी भर जीऊँगा, जब तक याद रखूँगा और दिमाग के अंदर दिख दिया। मैं इसके लिए यहाँ के बहुत ही स्टाफ मेरा केयर किया और साथ रहे, मैं इनको अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, याद रखूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर प्रसन्न दानी, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। मेरे पास एक हफ्ता पहले हनुमान प्रसाद जी मरीज जो है वो पेरिफेरी से रेफर हुए, जिनको कि दोनों आंखों में विजन नहीं था। जांच करने पर पाया गया कि राइट आई में थोड़ा सा देख पाते हैं पर लेफ्ट आई में तो बिल्कुल विजन नहीं था। लिहाजा उनका MRI कराया गया। MRI में एक काफ़ी बड़ी पिट्यूटरी की गांठ थी जो कि नाक तक आ रही थी तथा ऊपर आंखों की दोनों नसों को दबा रही थी। ऐसी कंडीशन में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के पूरी पेरीमेट्री वगैरह कराई गई, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि वो वाकई में दोनों आँखों से बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं तथा राइट आई से थोड़ा सा फिंगर काउंटिंग उनको कभी कभी हो जाता था। लिहाजा उनको समझाया गया कि दोनों तरह से ऑपरेशन हो सकता है, सिर खोल के भी हम ऑपरेट कर पाएंगे और नाक के थ्रू भी हम इसको ऑपरेट दूरबीन से कर पाएंगे। उन्होंने नाक के लिए रजामंदी दी। लिहाजा ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक शर्मा जो कि मणिपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और मैं और डॉक्टर गौरव हमारी टीम ने इस मरीज को नाक के थ्रू जाके एंडोस्कोपिकली इस गांठ को निकाला, जिसमें कि हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली और मरीज को दूसरे दिन से ही फिंगर काउंटिंग शुरू हो गई और आज वो बैठ के अखबार पढ़ सकता है।